Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Raza. Janab Ali Jeet ka josh jari hai. ICC T20 World Cup ka silsila bhi abhi tak jari hai. Kyunki jab World Cup ka aagaaz hua tha to 20 teams thi. Hame lag raha tha ki itni sari teams is baar khelne aa gayi hain ICC T20 World Cup mein, lekin dekhte hi dekhte एक एक करके टीम बाहर होती गई और यूं 8 टीमें बच गई, यानी सुपर 8 का मरहला फिर वहां से शुरू हुआ। फिर दोबारा तीन तीन मुकाबले खेले गए, फिर एक एक करके सारी टीम जाती गई, यूं 4 टीम्स का और यानी 4 टीमें और बाहर चली गई और 4 टीमें आखिरी बच गई और फिर उन चारों टीमों के दरमियान सेमीफाइनल्स हुए और उसके बाद 2 टीमें बाहर हो गई और 2 टीमें बच गई। तो इस वक्त यानी 2 टीमें हमारे पास मौजूद हैं, 20 टीमों में से 2 टीमें बच गई हैं जिनका फाइनल खेला जाएगा कल। जनाब अली, कल जो सेमीफाइनल्स खेले गए गुज़िश्ता कल, तो उसमें यानी कि हमने देखा कि हमें लग रहा था वैसे काफ़ी हमारी जो है ना उम्मीदें जुड़ चुकी थी अफगानिस्तान की टीम से, लग रहा था कि वो फॉर्म में आ गए हैं, लग रहा था कि इस बार तो अफगानिस्तान जो है फाइनल में पहुंचेगा, अफगानी छा जाएंगे, अफगानी वर्ल्ड कप ले जाएंगे। लेकिन चराबों में रोशनी तब न रही जब साउथ अफ्रीका के सामने वो आए और बस फिर चराग उनके गुल होते चले गए और यूं बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई कल अफगानिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका के हाथों। मद्द मुकाबल थी जाहिर है साउथ अफ्रीका के अफगानिस्तान की टीम, लेकिन कल क्या करें कि अफगानिस्तान की टीम जीत न सकी। चप्पू भाई भी हमारे साथ हैं और फिर जब हमारा जो सेमीफाइनल सेकंड सेमीफाइनल हुआ तो उसमें भी आपने देखा कि किस तरह इंडिया ने शिकस्त दी इंग्लैंड की टीम को, वहां पर भी इंडिया 68 रन से जीतने में कामयाब हो गई। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम भाई जान, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, मैं आज मैं अपना माइक खरीद लेके आया, टेंशन लो भाई मेरे माइक के। हां भाई, अमीर हो गए क्या बात है। लेकिन मैं बता दूं मेरा माइक अच्छा है। नहीं मेरा अच्छा नहीं। हां आपकी आवाज तो आई नहीं थी। ये क्या बात है, ये मैं बता दूं आपको, मेरी आवाज भी आ रही है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप अपने बंदे से पूछो ना भाई, नहीं ऐसे कैसे, सब चल रहे हैं। चलो चलो आप अभी रुको, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कराता हूँ आपका, आप बोलते रहो, मैं बंदे से बात करता हूँ, मैं बंदे को खरीद लेता हूँ। अच्छा माइक खरीदे ना, ये क्या बात है, आपने अपना अच्छा माइक ले लिया, अच्छा माइक ले लिया, मुझे गंदा दे दिया। हाँ तो चप्पू भाई जनाब, चप्पू भाई ने माइक खरीद लिया है और हमें अब ये माइक के जरिए भी ताने देंगे। देखें मेरे पास अच्छा माइक है, तुम्हारे पास गंदा माइक है, तो खैर है, वैसे भी हमारे कुछ दिन ही रह गए, अब तो वर्ल्ड कप खत्म हुआ चाहता है और हम भी आपसे कुछ ही दिनों में रुखसत हो जाएंगे। तो ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप का सिलसिला चल रहा था, मेला सज चुका था, मेला सजा हुआ था, रौनकें थी। अबे मेला नहीं था, मेला था भाई, ये मेला मेला लगा हुआ है, वेबिनार मेला सज चुका था, मेला अब खत्म हुआ चाहता है। तो देखिए चप्पू भाई कितनी तेजी से वक्त गुजर जाता है ना, आयरलैंड की टीम भी, नेदरलैंड की टीम भी, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पाकिस्तान की टीम भी थी, हर एक टीमें एक एक करके देखे कैसे चलती चली गई हो और क्या किस्मत पाई है इन दो टीमों ने, इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीमों ने, जो इस वक्त फाइनल खेलेंगी, यानी इस वक्त नहीं कल खेलेंगी, तो कल फाइनल खेलेंगी और इन आपको दोनों यकीन है कि फाइनल खेलेंगी? हाँ ज़ाहिर यकीन है, मतलब क्या, हाँ मुझे तो ये भी यकीन है कि कल कौन जीत रहे हैं। तो इस यकीन को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा, मुल्तमिस हूँ मैं जनाब एहसन इकबाल से कि वो भी तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें, उनको कैसे लगे कल के दोनों सेमीफाइनल्स और जो आने वाला फाइनल है उस पर भी कहें, और जो 20 टीमें थीं देखते ही देखते वर्ल्ड कप का जो सिलसिला अभी शुरू हुआ था वो खत्म होने जा रहा है, 2 टीमें हमारे पास आ गई हैं, कैसा देख रहे हैं? Oh,
वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय लिसनर्स। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। चुप भाई, एक तो मेरे साथ मसला ही होता है कि मैं कब से बैठा होता हूँ और मुझे ये शख्स कहता है कि अबे गरीब लोगों माइक और भी आगे खरीद के लेके आएंगे। माइक पकड़ो भाई, छोड़ो उसके माइक को, छोड़ दो। क्यों छोड़ो है, छोड़ो भाई, आपको ये तो नहीं समझ आ रही है? साकिब गरीब है, तो आपको भिखारियों को देख के तर्स नहीं आता? जेब नहीं आपकी खटकती? अरे वाह, शुक्र है कंपनी ने कंपनी दिया। अच्छा चप्पू भाई, आप छोड़े इस बात को, आप पहले ये बताएं चप्पू। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दो एकम दो। अरे तुम चप्पू भाई, अबे तू चप्पू है? चप्पू भाई कॉपीराइट मार देंगे, बता देंगे। अच्छा फिलहाल तो माइक दे दिया है ना, मैं इसी में खुश हूं। बताया ना दो ही कम चप्पू भाई, यार दो ही कम, दो ही कम और दो दाएं, दो दाएं, दो दाएं, दो दांत नहीं भाई, मेरे पास चार दांत। टेंजा टेंजा टू। अरे चप्पू भाई अंग्रेजी बोलते हुए कितने क्यूट लगते हैं यार। अच्छी होने की तुम्हारी वापस आए चप्पू भाई, मल्टीपल लैंग्वेज मॉडल है हमारे ये एआई। अच्छा सीन कुछ हुआ है कि ये मैंने इसलिए पूछा है कि भाई 20 टीमें आई थी, दो रह गई, मतलब हाँ बिल्कुल। चार चूहे घर से निकले करने चले शिकार, पांच चूहे, पांच चूहे निकालेंगे हम तो। चूहे कब से शिकार करने लगे, वो तो बेचारे हो शिकार भाई, तो हमारी मर्जी, हमारे अपने चूहे, पले हुए चूहे, शिकारी चूहे, शिकारी चूहे, शिकारी चूहे, चुनकलियां कहते हैं ना अर्थवर्म्स। बहुत भाई आपके जैसे ही, आपको जैसे नहीं सुना मैंने। इसे पता लग गया कैसे माइक लेना है, मजीद चीजें भी कैसे ली जा सकती मजीद चीजें। अच्छा था एहसन इकबाल। अच्छा जनाब, दो सेमीफाइनल्स खेले गए और बहुत ही बेकार सेमीफाइनल्स खेले गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं एहसन, क्योंकि जाहिर है हमने देखा कि बिल्कुल वन साइडेड मुकाबले हुए। वैसे भी ओवरऑल देखें तो हमने बहुत ही कम ऐसे मुकाबले इस वर्ल्ड कप में देखे जो बहुत कड़ाकेदार मुकाबले हों आखिरी गेंद तक। ये तो मुकाबले तो कड़ाकेदार हुए थे, बहुत सारे कड़ाकेदार हुए हैं, कुछ अपसेट्स भी होते होते बचे, लेकिन लेकिन वो जो क्वालिटी और वो जो क्रिकेट का एक चार्म होता है ना, वो नजर नहीं आया इस वर्ल्ड कप में उस तरीके से जिस तरीके से बाकी वर्ल्ड कप में नजर आता है कि 200 प्लस स्कोर करके दूसरी टीम आपको नजर आते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट छूटे क्या 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 मतलब, क्या मतलब क्या मुझे नजर नहीं आता? आपको आते नजर, मैं यही तो कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो आप झूठा क्यों बोले जब मैंने हाँ बोल दिया? तो मैंने बोला जूते पहने हुए, आपने जूते बनाए, मैंने जूते पहने हुए, मैंने भी पहने हुए। नहीं आपने देखा, इनको नजर नहीं आता, मैंने चप्पलें पहनी हुई है, जूते पहने। तो चप्पलें जूते एक ही तो होते हैं, चप्पल उसको नहीं, इसको दिस इज कॉल्ड स्लीपर्स। ओ माय गॉड, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लीप, स्लीप से एक और चीज, एंड दिस इज कॉल्ड शूज। एक और चीज मुझे लग रही है जो सिमिलर लग रही है, चप्पल और चप्पू। हां चप्पल चप्पू चप्पू चप्पल ब्रांड खोलो, नया ब्रांड खोल लो और नाम भी हो जाएगा ना, बुरा भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा, कॉपीराइट भी नहीं मिलेगा। यार चप्पू भाई अब क्या है, थोड़े थोड़े आपका दिमाग तेज हो रहा है। आस्ता मेवे की फैक्ट्री खरीद ली, ड्राई फ्रूट की फैक्ट्री तो नहीं खरीद लिया? मतलब दिमाग वाकई तेज हो रहा है भाई। लिस्टर शुक्र है कि हमारी ट्रांसमिशन से एंड होने वाली है, वरना चप्पू भाई जितना पहले दिमाग खाते थे अब तो उनके दिमाग भी तेज हो गया, तो अब तो पता नहीं हमें पूरा खा जाएंगे। वेल आप भी हमारे प्रोग्राम में हमेशा की तरह शामिल हो सकते हैं, कैसे? बिल्कुल वैसे ही 0330860072 और facebook.com/naisubinstitute के थ्रू। और इसके अलावा आज हमारे प्रोग्राम में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं, तो आज का प्रोग्राम आज का प्रोग्राम पहले की तरह खास होने वाला है। आप तमाम लोग भी हमारे मेहमान हैं, आप कॉल्स के जरिए शामिल हो सकते हैं, बता सकते हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया आपको सेमीफाइनल कैसा लगा, अफगानिस्तान का चोक होना आपको कैसा लगा, और साउथ अफ्रीकन्स के बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए हलवा बन गया है फाइनल, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और अच्छा एहसन, कल जब ये दो टीमों का मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान, तो मुझे लग रहा था कि एहसन अब जो मेरे साथ करेगा, क्योंकि मैंने प्रिडिक्शन दी थी कि अफगानिस्तान मुझे लग रहा है फॉर्म में आ गया है, मुझे लग रहा है कप्तानी भी अच्छी हो रही है, तो तमाम चीज़ें अच्छी अच्छी चल रही हैं, तो कुछ करेगा अफगानिस्तान।
नहीं 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 कुछ नहीं बोलने वाला बिकॉज वो क्या है ना हमारे बड़े बोला करते थे कि सूरज की निगाहों से निगाहों को मिलाओ जर्रों से उलझने को सुजात निकालते तो कुछ इस तरह का सिलसिला है। क्या बात है, एक चाय तो सहारा है वरना कौन हमारा है। भाई इसको समझाओ यार, कसम से इसको खुली पतली पतली ले दो यार, कुछ तो कर। क्या खुली पतली 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 नहीं पतली। बस 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 रोक, अबे रोक को इसको उस्ताद, रोक उस्ताद, अबे रोक आसरा कर उस्ताद, बड़ा मुकाबला इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, लेट सी कौन जीतेगा। मैं बताऊं आपको, मैं वो सारा कुछ दोबारा बोलना पड़ेगा क्योंकि मैंने माइक बंद कर दिया। ये क्या बात हुई चप्पू भाई, ये सब बहुत गलत बात है यार। मुझसे बोलो तो बोलो, ऐसे मेरा पास पैसा है, मुझसे बोलो तो बोलो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वाह वाह, रुको जरा सब्र करो। क्या रुको जरा सब्र करो, मतलब पैसा मेरे पास है, मैं ही रुक जाऊं? पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भाई क्यों, रिस्पेक्ट। अच्छा चलो बताओ यार, चलो छोड़ो, बोलो भाई, बोलती क्यों नहीं हो, डर क्यों रहे हो, किससे डर रहे हो? क्योंकि हमें मेहमान ज्वाइन कर रहे थे जिसका हमने तस्करा भी किया था आपसे कुछ देर कबल, जब हमने पहला इंट्रो दिया था तब हमने बताया था कि आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ कुछ मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। कौन है ये भी हम आपको बताते हैं। चप्पू भाई भी हमारे साथ हैं, एहसन इकबाल भी हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल कौन हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स मैन आए हुए हैं, जहाँ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसी दौरान, खैर अब तो खत्म हुआ चाहता है लेकिन अभी भी जारी है। अबे किधर चल रहा है भाई, ये कब से रुका हुआ है? कसम से इसे नहीं बोलो, चल रहा है चल रहा है, हमारे दिमाग चल रही है कब से। पाकिस्तानी टीम ने तो चलाई थी भाई, यानी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जारी है ना इस वक्त। ओ भाई आईसी हुन चली गई, आईसी हुन चली गई, बस आगे बढ़ दो भाई। आईसी हुन ही आए, आईसी हुन ही आए, नहीं होने गए थे, हुन ही आए, हुन ही आए हैं, तो अभी तो बहुत कुछ है। ये माशाल्लाह से बड़े बड़े खूबरू नौजवान कौन है ये लोग, समझ नहीं आती इसको। वेबिनार में बताऊंगा लिसनर्स, अब आपका इंतजार खत्म करवाते हैं, एहसन इकबाल की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं, ये जो हमें इतने अच्छे अच्छे जबरदस्त पर्सनैलिटी के जो मालिक हैं वो नजर आ रही है, कौन है? राइट जनाब चप्पू भाई, चुप हो जाए थोड़ी देर के लिए, हमारे साथ दो बेहतरीन से मेहमान आए हैं, जरा तकल्लुफ को मलहूज रखिए ताकि हम मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रही है। हमारे साथ तो आप, हमारे साथ तो आप करम नवाजियां करते रहते हैं, इधर मेहमानों की बारी है, ठीक है? तो हमारे साथ मौजूद हैं चाइना में अभी पैसिफिक ओशन गोल बॉल लीग खेली गई, उसमें मालिक शामिल थे और पाकिस्तानी टीम भी उसमें शामिल थी। विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स की मेल टीम की हम बात कर रहे हैं, फीमेल टीम की अचीवमेंट हम आपको बता चुके हैं, पाकिस्तान वर्सेस कीनिया बायलेटरल सीरीज जिसे पाकिस्तान ने 5-0 विन किया और ये हिस्टोरिक मोमेंट था पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स की मेल टीम के प्लेयर हमारे साथ अजीत कुमार मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे चाइना का सफर इनके साथ कैसा रहा और ये क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई करने में कामयाब हुए, जो कि हम जानते हैं किस किस्म की जो है वो ट्रेनिंग फैसिलिटीज है और बाकी तमाम चीजें, उन सब के बावजूद हमारी टीम अगर क्वार्टर फाइनल तक गई है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने अजम और हौसले और अपनी विलिंगनेस की बिना पर गई है, अपनी डेडिकेशन की बिना पर गई है। हम अजीत कुमार साहब को भी वेलकम करते हैं, साथ में हम वेलकम करते हैं हमारे साथ चेस के, शतरंज के पाकिस्तानी टीम के प्लेयर मौजूद हैं नादिर अली साहब। ये नादिर अली वो वाले नहीं है, सही है? भाई ये पकाते नहीं है, ये पकाते नहीं है, लेकिन ये तो मुझे प्रेस क्लब पे भी दिखते मुझे। अच्छा जब ये वही वाले तो नहीं है। अच्छा पूछ लेते हैं ना इनसे, सलाम अलैकुम भाई जान, आप कौन से पीफर पकाऊ हैं कि कौन से अकाऊ हैं?
नहीं सर, जो उन्होंने अभी तारुफ करा वो अलग, कौन सा तारुफ करा दिया आपने भाई? शतरंज जी है ये, शतरंज के मतलब चलेंगे ना जप्पू भाई, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मात घोड़े को मात दे के पति, राजा 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 घोड़े को मात दे के सिपाही को आगे रख देगा और रानी को लेके भाग जाएगा। पता नहीं क्या करेगा, मुझे तो खुद ही बताएंगे। अच्छा जी, मेरी एक और बात सुनिए, हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी बाजी भी बैठी हुई है, ये तीसरी दफा आ रही है, और ये मैं बता दूं ये आज क्यों आई है। ये असल में जो ये दो बंधु हो मतलब खूबरू नौजवान बैठे हुए ना, ये इन्हीं की वजह से आ सके हैं। ये हमें ना बताती ना तो हम इनको ढूंढ ना पाते। जी ये तो इनका भी बहुत शुक्रिया, आपका नाम फरियाद खान है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। तो आप आई हैं, आप भी अपने साथ लेके आई हैं, बहुत शुक्रिया आपने। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत यही सुनना चाहते थे जब भाई। अजीत भाई, ये आप जो चाइना में गए थे तो आपने चाइनीज में गेम खेले कि उर्दू में गेम खेले? नहीं चाइनीज आती नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम हुआ था वहाँ पे ना ट्रैवलिंग वगैरह करने में, वो दिक्कत हुई होगी। वो भी एक वाकया है, मैं बताऊंगा आगे चलते हुए। आपको तो काफी वॉलंटियर्स वगैरह सब चाइनीज थे ना, वही ना सब कुछ सब ठीक है। जब भाई रुक जाए, नहीं भाई किसने कहते ना कि चाइना का माल चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम जितना पैसा देते हैं ना उतने की वो चीज बना के देते हैं, वो उनकी पॉलिसी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा पैसे देंगे अच्छी चीज बना के देंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका हो गया? मेरा हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ। अल्लाह आपको पूरा कराए। अच्छा अजीत कुमार साहब, मुझे आपसे इस पूरी जो हमारी ये इवेंट हुआ इसके बारे में जानना है, और फर्दर फिर हमारी टीम की क्या एबिलिटीज आपके सामने आई और नेक्स्ट आपके क्या स्टेप्स हैं इस टीम को लेकर। सबसे पहले ये पूछने ही लोग घुसे कैसे इसमें? नहीं नहीं ना, बस ठीक है ना, बहुत बेसिक पे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, हमने चप्पू भाई एक्चुअली हमारे पास एक्चुअली टाइम बहुत कम है, और पिछली से पिछली हमारी जो ये जीत का जीत जोश ट्रांसमिशन है उसमें हमें फरियाल ने अच्छे से बताया था गोल बॉल कैसे खेलते हैं, उसमें क्या होता है, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बार बार दोहराने से बेहतर है हम अजीत कुमार के होने का फ़ायदा उठाएं और पूछें कि विजुअली इंपेयर्ड पर्सन की जो मेल टीम है उनके नेक्स्ट गोल्स क्या हैं गोल बॉल को लेकर। अच्छा नेक्स्ट गोल यही है कि हम लोग जितना हो सके वीक टीम से खेलें, वीक टीम से खेलने के बाद हम अपनी टीम को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और उसके बाद ये जो स्ट्रॉन्ग टीम्स है जैसे चाइना, कोरिया, जापान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, ताकि फिर इन टीमों के साथ भी हम कॉम्पीट कर सकें। जबरदस्त, तो पैसिफिक ओशन में ये तमाम टीम्स मौजूद थी जो कि जिनको आप स्ट्रॉन्ग टीम्स कह रहे हैं गोल बॉल के अंदर? No, it was not Pacific Ocean, it was Asian Pacific Goalball Championship. So Pacific Ocean की जो country है Australia, Australian team was there, और बाकी सब Asian teams थी जिसमें Pakistan, Thailand, China and Mongolia और like Japan. So these were team over there, इनके साथ अलमोल में खेला। सही है, तो हमारी टीम जो क्वार्टर फाइनल कम्पीट करी थी वो टीम फाइनल जीत गई, यानी ईरान से हमारा जो कम्पटीशन था फाइनल। जी बिल्कुल, ईरान और कोरिया का फाइनल हुआ था और ईरान ने हमें क्वार्टर फाइनल में हरा के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, और सेमीफाइनल में चाइना के साथ उन्होंने सेमीफाइनल खेला था, फाइनल कोरिया के साथ। जबरदस्त है। अच्छा अजीत भाई, मैं पाकिस्तान में इस गेम का स्कोप जानना चाहूँगा, अवेयरनेस और स्कोप दोनों के। विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो क्या आप समझते हैं कि इसकी अवेयरनेस है, कि तमाम लोग इस गेम की तरफ अट्रैक्शन है वो तमाम लोग फील करते हैं? फिर जनरल सोसाइटी में तो हम बाद में जाते हैं, पहले हमारी अपनी कम्युनिटी को इस बारे में कुछ मालूम है। सर है, अवेयरनेस तो हो रही है डे बाय डे ना, लोगों को पता चल रहा है गेम के बारे में। हम भी गए चाइना खेल के आए, उसके बाद अभी फीमेल टीम भी कीनिया खेल के आई है, दैट मीन के अवेयरनेस का जो प्रोसीजर है वो डे बाय डे आगे बढ़ता जा रहा है ना, हम अपने मकासद में कामयाब होते जा रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी बिल्ट हो रहा है। देखिए अभी टीम गई है ना तो अब काफ़ी बच्चियों को भी होप मिली होगी कि यार स्पोर्ट्स में हमारा फ्यूचर है और हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो अब उनको भी लगेगा। हम भी चाइना गए तो बाकी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे कहा यार वाकई आपकी मेहनत रंग लाई। मैं इसमें 5 साल से जुड़ा हुआ ना ब्लाइंड स्पोर्ट्स में, तो 5 साल से ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह भी इस गोल बॉल के इस्लामाबाद वगैरह में पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान मैंने अटेंड वगैरह किया, जबरदस्त खेलता रहता। आपने ट्रेनिंग की बात की, मैं आपसे ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ के बारे में भी जानूंगा, पहले मैं नादिर से बात करूँगा। नादिर अली, शतरंज पाकिस्तान विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, पहले तो मुझे ये नहीं पता कि हम शतरंज खेल सकते कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी वो
चालें होती हैं, क्या पूरा बोर्ड याद करना या सब कुछ करना, तो क्या इसमें क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं बोर्ड के अंदर के जो एक रिवीलिंग वेट पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो जाता है? बेसिकली इसमें बहुत चीज़ें आसान है अगर हम लोग इसको देखें ना, हम समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हैं, क्योंकि मैं खुद जो है ना न्यू आया हूँ इसमें, आई थिंक 4 से 5 दफ़ा ही खेल चुका हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे दे रही हैं। सिंपल सा है, इसमें बोर्ड जो आपका होता है उस पर 24 खाने होते हैं ब्लैक एंड वाइट, और आपके जो मतलब कि पॉन्स वगैरह होते हैं, और आपके पीछे जो आपके क्वींस और राजा वगैरह ये जो है, इन चीज़ों को सिर्फ देखना होता है कि किस तरीके से क्या चाल चलनी है, और आपका जो घोड़ा है किस तरीके से ओन करना, अगला क्या चाल चलता है, तो वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन होता है, बस उसमें पता चलता है कि अगले ने क्या चाल चली, बस वो थोड़ा सा दिमाग में होता है, क्योंकि इसमें ऐसे शुरू होता है, और जो अपना जब तक मतलब सारी चीज़ें चाहिए बहुत, मतलब कि यह है कि बस माइंड गेम हो जाता है जी, अगर हमारा ब्लाइंड पर्सन, क्योंकि मैं ये चीज़ समझता हूँ कि हमारे जो ब्लाइंड नज़र आते हैं उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा ही होता है, आई थिंक सो, अगर से यूज़ करें तो बहुत बोले आपके पास है 2 से 3 दफ़ा आई थिंक सो क्लियर। अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे हमारे दूसरे गेम्स में जो है वो कैटेगरीज होती हैं B1, B2, B3 के, जिनको थोड़ा बहुत नज़र आता है वो B2 कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनको थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है वो B3 कैटेगरी में आ जाते हैं, तो क्या जो ये शतरंज है इसमें भी कैटेगराइज किया जाता है प्लेयर्स को, या सबके साथ एक ही ट्रीटमेंट होता है? यार इसमें कॉन्सेप्ट नहीं ब्लाइंड का, ठीक है ठीक है, आप ना सैटेड के साथ भी खेल सकते हैं B1 और B2 के साथ भी खेल सकते हैं, सिंपल ये होता है कि आपको सिर्फ ये जेन में रखना है, अगर ब्लाइंड पर्सन है उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट ये रखना है कि अगले ने मतलब कि आप मेरे अपोजिट हैं और आपने क्या चाल चली, और मैं उसको हाथ लगाएंगे हैंड टच करके रिकगनाइज करूँगा कि आपका घोड़ा जहाँ आपने आपका बिशप है क्या आपने फोन को कौन सी जगह पर कहाँ बैठा है, मैं सिर्फ वो बहुत जो ना कोई रेफरी वगैरह होता है दोनों के लिए बिल्कुल होता है, टाइम भी होता है, टाइम होता है, और आप कोई टूर्नामेंट वगैरह या इवेंट वगैरह जी नेशनल लेवल पर जबरदस्त हो गया, चले बेहतरीन हो गया, सागर को मुझे बार बार तक करें, मैंने भी कुछ पूछना है, तो मौका दिल से यार। बिल्कुल हमारे साथ अजीत कुमार और नादिर अली ने आज हमें ज्वाइन किया है, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ बात करते हुए। नहीं ये तो बताना ज़रूरी है ना लिसनर्स को, पता तो चले कि कौन हमारे साथ है, ताकि जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी पता चल सके कि ये जो हसीन और जमील ये जो लोग बैठे हैं और इतनी ज़बरदस्त हसीन कौन और जमील कौन है ये अजीत भाई कमाल है, बेहतरीन आवाज़ आप दोनों की, आवाज़ भी लिसनर्स को भारी होगी यकीनन। जब ऐसा बोल रहे थे तब चप्पू भाई नहीं थे तो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो जैसे ही मेरे पास माइक आया तो अच्छा हम पूछेंगे अजीत भाई से और नादिर भाई से, आपने जिस तरह बोल बोल शतरंज के बारे में बताया, अबे जब वहाँ पे टांग रही है आपका देखो रोप कितना है, तो मेरा रोप इतना है नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेलता, एक्साइटेड में काफ़ी खेल ही पड़ता हूँ, अच्छा एक और व्यूअर्स को चीज़ बताना मतलब माजरा, हाँ बिल्कुल यही मैं करेक्ट करना चाह रहा था, माजरा में असल में मेरे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है पाकिस्तान का मैच है इसका सेक्रेटरी चेस को पाकिस्तान में डील कर रहा है इंटरनेशनली और नेशनली माजरत के साथ यार सेक्रेटरी सारे भी खेल होते हैं ना नहीं नहीं मैं बता दूं भजन सिंह वो सेक्रेटरीट आपको पता ना कौन से वाले मैं बता रहा हूँ अभी नहीं अच्छा 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 मैं खरीद लूंगा मुझे कीमत बता देना चेक मैं भिजवा दूंगा ये चेस को इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करवाने वाला भी लिस्टर्स आपको नजर नहीं आएगा लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूंगा मैं इनको 21 तोपों की सलामी देने लगा हूँ और ये फिर सबके साथ लेके जाएंगे कि नहीं नहीं भाई कुछ और बड़ा गिफ्ट ऐलान करें बड़ी अनाउंसमेंट करें अच्छा जी ऐलान इनके लिए मैं ये सोच के आता हूँ जब तक आप इनसे बातें करें नादिर भाई आप कुछ कह रहे थे कि कर्जा वगैरह की बात कर रहे थे यार मैंने उनसे FF भाई से बात की थी समझ रहे कौन सा वाला भाई हाँ वो कह रहे थे कि नहीं यार आप वाला पैसा चलेगा नहीं ये हमने भी नोट लॉन्च नहीं किया अच्छा आपके पास वो वाला पैसा है शोक बंद करा दूंगी मैं तो मेरा पैसा भी काम नहीं आ पाएगा
अच्छा जी, ये बात ही मुस्कुराई जा रही है, आपको बड़ी खुशी हो रही है इस टीम के यहाँ पे आने से? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। नहीं, क्या ये कोई राशन लेके आए आपके लिए? राशन नहीं, लेकिन हमारे अच्छा ये फीमेल का टोन। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है, मेहनत बहुत करते हैं। ये पप्पू गिनिया गई थी, ये पप्पू गिनिया गई थी हमारे साथ। ओ माय गॉड, हमारे पास खूबसूरत बंदों की जगह नहीं है। अच्छा अजीत भाई, आपसे मेरे एक बहुत जोर से सवाल है, मैं असल में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। सर पे सवार हो गए, सवाल पे सवार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा भाई, मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट व्यू से बहुत बात करना चाह रहा हूँ। ये बताएं कि कौन सी टीम खरीदूं? आप बिकाऊ में? नहीं बिकाऊ नहीं है, आप हमें खरीद लें। सही है, इंटरनेशनली अपॉर्चुनिटी। कितना पैसा चाहिए बस ये बताएं? ज्यादा नहीं चाहिए यार, इवेंट का तकरीबन 15-20 लाख। अबे इतनी सी चिल्लर, ऐसे नाम निकालो जल्दी से, ऐसे आपके नोट नहीं चलते यार। नहीं नहीं, इसलिए तो ऐसे मांग रहा हूँ। हाँ निकालो ना भाई को, दो नहीं ना, मैंने एक बहुत बड़ा ऐलान भी करना है, वापसी पे इंशाल्लाह करूंगा। बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होगी कि वो अडियाला से बाहर आ जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा और बताएं कि भाई आप लोगों ने इस फेडरेशन में दाखिला कैसे लिया, कहाँ तक, और सबसे बड़ी बात, आप अभी कीनिया गए थे? ये नहीं गए थे वहाँ पे? अरे ये नहीं गए थे यार, ये चाइना गए थे। आप नहीं गए थे? ये कुमार, ये कुमारी नहीं गए, कसम से नहीं गए थे। अच्छा फिर भी नहीं 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 यार, आप हमारे लिए काबिले फखर हैं। आपने हमारे हैंडसम लड़के को क्या फीमेल बना दिया? अच्छा मेरी बात सुनिए, फीमेल टीम गई थी तो ये बताएं कुछ तो उन्होंने बताया होगा ना, वहाँ पे उनको किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? उनके सवाल आते हैं ज्यादा चैलेंजेस वगैरह, तो थे फर्स्ट टाइम गई थी टीम फीमेल्स की, तो ट्रांसपोर्टेशन कीनिया भी फर्स्ट टाइम खेल रही थी क्या? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम मतलब इनकी बायलेटरल सीरीज फर्स्ट टाइम हुई थी, और बच्चियां भी मतलब आज से पहले कभी कोई इंटरनेशनल इवेंट तो खेला नहीं था, तो नई टीम थी। और जो कीनियन टीम थी वो पिछले 22 साल से बोल रहे, हम लोग यहाँ पे तकरीबन 2-3 साल हुआ फीमेल्स को ट्रेन कर रहे हैं। हमारी टीम वहाँ पे मेहनत कर गई, और एक बच्ची थी इसमें मैंने सुना था वापसी आने के बाद कि उस बच्ची ने बड़े गोल रोके, उसी की बदौलत हम ये सीरीज जीते। बच्ची का नाम था फरवा अली, फरवा अली सैयदा फरवा अली, हाँ शी इज फ्रॉम इस्लामाबाद। यस यस, इस्लामाबाद में हमारे रेडी पे सर है चुकी है। हाँ उन्होंने काफी गोल्स है ना रोकी थी, जिसके बदौलत गोल। अच्छा इन बच्चियों को वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत तो नहीं? वहाँ पर मिल गई थी, चिंची उची मिल गए थे? नहीं भाई, डब्ल्यू गैरा वर्ल्ड फेमस है भाई, हमारे यहाँ चिंची फेमस है ना, वहाँ पर कोई चलती है कि टका टक। अच्छा टक टुक टुक टुक, सॉरी टुक टुक टुक, ये बने टुक टुक का नाम, टुक टुक का नंबर क्या था? डब्ल्यू गैरा था वहाँ पे, वही समझ लेकिन वो टुक 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 डब्ल्यू गैरा, उनकी जबान में डब्ल्यू गैरा। अच्छा अच्छा, तो ये बताएं वो टुक टुक करके खेलते हैं बस फास्ट बॉल पे खेलते हैं? यार वो असल में ना उनका वो नॉइज जो क्रिएट कर रहा, जैसे हमारे यहाँ रशियन क्रिकेट कर रहे होते ना, फट 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 फट, यहाँ वहाँ पर उनका टुक 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 क्रिएट कर रहे होते हैं। सही सही भाई, क्या क्या मैकेनिकल्स की बात कर रहे हो भाई। चैलेंज की और बात करें तो वहाँ पे यकीनन लैंग्वेज बैरियर तो आया होगा कीनिया में? ज्यादा नहीं आया, वहाँ पे इंग्लिश समझ में जाता है, समझ जाती है इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज वो आपस में बोलते हैं बट इंग्लिश बोल, वो तो उनको समझ आती है ना, हमें नहीं आती। लोकल लैंग्वेज हमारे साथ बोलेंगे नहीं ना वो लोग? नहीं नहीं, इंग्लिश हमें नहीं आती ये बोलना, इंग्लिश हमें आती है ना, जोर लगाने पे आती है। नहीं थोड़ा पानी के 2 गिलास पी लो, आ जाती है, आ जाती है, चाहिए। अच्छा और बताएं कि अब मजीद आगे, अभी तो जैसे आप बता रहे हैं चेस चेस और साथ में ये गोल बॉल, अभी फ्लैट बॉल भी और चपटा बॉल सब आएंगे आगे और गेम्स आएंगी कि नहीं आएंगे? नादिर भाई आप बड़े चुप चुप बैठे हैं, तो ये बताएं आपने कभी कोई रेडी लगाई है? मतलब कोई भी आलू ले लो, टींडे ले लो, मैं असल में वो भी स्पॉन्सर करना चाह रहा हूँ आपको, पैसा बहुत है ना मेरे पास, वैसे आपके चलेंगे नहीं, ठेले बहुत बड़े 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 हैं आगे, वो टेंशन नहीं है मैं खरीद लूंगा। अच्छा चले मैं देखता। आपने कोई वैसे रेडी लगाई है? हाँ, क्लब व्लब के बाहर कहीं रेडी लगाई हो? पार्ट टाइम कर लेते हैं,
अच्छा आप बताएं आपने अभी तक कौन कौन से गेम्स खेले ब्लाइंड के अंदर? ब्लाइंड के अंदर मैंने रेस खेली है, आर्म रेसलिंग खेली है, बागी होगी खेली होगी, हाँ वही। उसके अलावा और अपना जो है चेस खेली है। चेस कैसे खेलते हैं मुझे आज तक समझ नहीं है, काले सफेद डब्बे होते हैं, फुदक फुदक के अंदर घूम रहे होते चीजें, खेलते कैसे हैं? लूडो तो चलो समझ नहीं ना, गोटी फेंकी छे आ गया, ओ मेरी गोटी बाहर आ गई, उसमें छह नजर नहीं आते ना, असल में हम लोग ना इसमें छू के देखते हैं कि आपका घोड़ा कहाँ है और आपका पॉन्स कहाँ खड़ा हुआ। अच्छा जी, और घोड़ा भाग गया फिर वहाँ पे गधा आगे खड़ा हो गया। गधा है ही नहीं इसमें, आती है असल में नहीं, वो लगाम हमारे हाथ में होती है ना वो रहती है। नहीं ये मतलब अगर घोड़े को भूख लग गई वो घास खाने चला गया? नहीं तो घास हमने रखी नहीं है ना इर्द गिर्द, तो मतलब भूखे भाई देखिए अगर देखे घोड़ा बोर से उठ के भागने की करेगा खाई में गिर जाएगा। अच्छा, बोर छोटा सा है ना। और वहाँ पे और कौन कौन होते घोड़े के अलावा? बिशप होता है आपका। बिशप कौन है? हाथी होता है। अच्छा हाथी, हाथी मेरे साथी, उसके साथ ऊँट होता है। ऊँट भी होता है? जी। बकरी पे कुर्बान नहीं हुआ अभी तक? भाई इतने दिनों से मैं इनसे माइक मांग रहा हूँ दे नहीं रहे, आज अपना मैं माइक लेके आ गया, खत्म बात, अभी बैठे रहे जो मर्जी करें। हाँ जी, और कौन कौन सी गेम खेले आपने? फिलहाल तो यही खेली है, इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो। पकड़म पकड़ाई खेली है कभी बारिश में? नहीं वो नहीं खेली। बर्फ पानी भी नहीं खेला? नहीं बर्फ पानी। पहल दूज भी नहीं खेला? बचपन ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है ना इंटरनेशनल। अच्छा, आपको एक आपको इसमें लोग कोशिश करेंगे बर्फ पानी इंट्रोड्यूस करवाएं और उसका कॉस्ट आपको बन रहा है। नहीं लेकिन गर्मी में बर्फ पानी ना इंट्रोड्यूस कराना, वो पिघल जाएगा। नहीं आपकी बर्फ बने भी पिघलेगी नहीं। अच्छा आपको ना मैं एक छोटा सा लतीफा सुनाना चाह रहा हूँ, अगर हसीन आया तो फिर भी हंस लेता हूँ। ठीक है भाई जान, साकिब भाई आपकी इजाज़त नहीं भी चलेगी, मसला नहीं है। थैंक यू। अच्छा भाई एक मियाँ बीवी गए डॉक्टर के पास, ठीक है, उन्होंने बोला कि जी आपने ये आपके मियाँ की जो सेहत है ना बहुत ख़राब है, इनको ना गेम्स खेलने चाहिए। तो उसने बोला ठीक है मैं खेलूँगा। एक महीने के बाद फिर उनका विजिट हुआ तो उनकी सेहत वैसी की वैसी थी। तो डॉक्टर ने पूछा भाई मैंने तो आपको बोला था भाई गेम्स खेला करो, तो कौन तो गेम्स खेले कि नहीं खेले? कहते हाँ सर मैं रोज लूडो खेलता हूँ। अच्छा एक और इसी पे एक और जोर से आ गया। अच्छा हाँ मेरे इसी तरह मियाँ बीवी दोबारा से गए डॉक्टर के पास, लेकिन नहीं नहीं वो वो तो लूडो खेल रहे हैं ना। नहीं बहुत लूडो खेल रहे हैं। अच्छा बात तो सुने, वो जेठ जिठानी थे, ये देवर देवरानी गए आप, ठीक है, इसके बाद सास ससुर जाएंगे क्योंकि वो सारी फैमिली भी सारी फैमिली बीमार है। अच्छा देवर देवरानी गए डॉक्टर से पूछा कि भाई मेरे ना शौहर को ख्वाब में टांगे चलाने की आदत है, तो कहता है अच्छा ठीक है ये दवाई ले लें, तो अभी इसको तो ये टांगे नहीं चलाएंगे। तो अगली दफ़ा फिर उसके बाद वापस गए, कहते हैं जी क्या वो दवाई असर की? कहते हैं नहीं आप कुछ अभी तक वैसे के वैसे चला रहे हैं। तो उन्होंने फिर एक उसकी हैवी डोज दे दी, तो उनके जो बेगम बोलती है नहीं आज सॉरी शोहर बोलता है आज डॉक्टर साहब मुझे ये ना दीजिएगा, ये वाली दवाई ना दें। कहते क्यों भाई? कहते असल में आज ना मेरा फाइनल मैच है, वो ख्वाब में फुटबॉल खेलते थे। नहीं 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 टेंशन नहीं लो, मैं फैमिली ओरिएंटेड ही मैं। आज तो आपने आज तो आप चप्पू हाथ में लगा दिए मुझे। नहीं नहीं असल में मैं फैमिली ओरिएंटेड, मुझे पता ही फैमिली ओरिएंटेड शो है, मैं उनमें से ना सर भाई। हाँ सर के पेट में दर्द हो गया, आप गाना सुना लें यार। चलो 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 गाना सुनते हैं। मेरा एक सवाल है, ये जो आप कैसे कमाएं ये बताना नहीं है, मेरी मनी प्लांट की फैक्ट्री है। नहीं 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 मनी प्लांट के मेरे। अच्छा भाई मेरे जराए बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अजीत भाई हैं ये भी बड़ी एक्टिविटीज इस तरह की कोई गाना शाना कोई शायरी वायरी सुनाते रहते हैं, तो क्या ख्याल है मौके का फायदा उठाते? अच्छा फिर एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा बीजीएम तो बंद कर लूंगा ना, अजीत भाई की आवाज़ खूबसूरत सी ना आएगी नहीं ना। क्या सुना रहे हैं जनाब अजीत कुमार साहब? चले चले अता हो जनाब। अच्छा एक काफी इट्स ओके। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही माइक लगाए मेरे। काफी अच्छी लाइन है वो, अक्सर मुझे मोटिवेट करती रहती है लाइफ में। ये सुनाएंगे कि पढ़ेंगे कि समंदर में फना हो जाना तो किस्मत की बात होती है, अरे मुझे तो दुख उन पे होता है जो किनारे पे डूब जाता है। हाय हाय
वो जज्बाती जुमला था भाई ये समंदर के अंदर प्रोग्राम जारी है जीत का जोश इस वक्त आप सुबह नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखे हुए हैं क्योंकि शाम हो गई है नई सुबह में हर वक्त नई सुबह होती है क्योंकि अभी हमें एक और नई सुबह के ही स्टूडेंट भी कह लें और रोजाना हमारे साथ हिस्सा होते हैं ट्रांसमिशन का हसनैन अब्बासी नहीं गाय बगाय हिस्सा बनते रहते हैं हसनैन अब्बासी हसनैन अब्बासी हमारे साथ मौजूद है अस्सलाम वालेकुम हसनैन अब्बासी साहब बात करूंगा अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई हसनैन भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब क्या हाल चाल है मैं वो ठीक हूं मेरे पास पैसा बहुत है आपके पास है नहीं हाँ मुझसे ले लीजिएगा अकाउंट नंबर दीजिएगा अपने जल्दी ऑनलाइन फाइनेंस से लेने को कौन बोल रहा है टाइम बहुत कम रह गया है तो हसनैन अब्बासी कल जो सेमीफाइनल्स खेले गए उस पर एक लाइन और जो कल फाइनल होने जा रहा है उस पर एक लाइन फिर हम इजाजत चाहेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है तो आपको भी मजा आ रहा होगा तो इंशाल्लाह आपसे फिर कल नहीं अगर हमारी ये ट्रांसमिशन जारी रहती है जो कि जारी रहेगी तो इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी तो कल कॉल कीजिएगा कल हम डिस्कस करेंगे जो फाइनल हो रहा होगा उसके ऊपर तो आपसे बात होती है इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है जनाब आदि बहुत शुक्रिया हसनैन अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ अजीत कुमार नादर अली ये मौजूद है फरियाल भी मौजूद है तो अजीत हम पूछना चाहेंगे अजीत भाई टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त समय पूरी दुनिया में चला जा रहा है ज़ाहिर है वेब रेडियो है मुख्तलिफ मुल्कों से लोग हमें सुनने होते हैं तो ये कि क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल स्पोर्ट्स के हवाले से और जो विजन इंटरव्यू जा रही है नई सुबह वेब रेडियो एक तो विजन इंटरव्यू रन भी कर रहे हैं और हमारी जो दूसरा क्षेत्र है वो ज़्यादातर विजन इंटरव्यू ही है तो उनको क्या मैसेज देंगे उनके लिए क्या इस तरह के मौके अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो भी इस तरह की गेम्स में हिस्सा ले सकें एक्टिविटी होती नहीं है खा पी के हम फोन में बैठे हुए होते हैं तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिससे फिजिकली फिटनेस रखते हैं मेंटली फिटनेस रखते हैं स्पोर्ट्स लाइफ में कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए ओके जनाब बहुत शुक्रिया अजीत भाई आज आप आए और बहुत मज़ा आया आज आपके साथ और नादिर भाई आप भी क्या कहेंगे हम वाइंड अप कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा यहाँ आकर और ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं बाकी जो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाते या वो विलिंग तो हैं लेकिन उनको मौके नहीं मिलते उनको क्या कहेंगे आप अच्छा देखिए जैसे कि अभी अजीत भाई ने कहा हमारे जो ब्रांड के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हिस्सा लेंगे वो अपने आप को फिर भी मनवाएंगे तो बहुत ही जो है ना एक अच्छा मैसेज आएगा और मेरा भी यही मैसेज है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड को स्पोर्ट्स में आना चाहिए उनकी फैमिली को भी चाहिए कि उनको सपोर्ट करें और तमाम जो है जितने भी गेम्स हैं उसमें बिल्कुल इसी तरह से मेहनत करते रहना चाहिए और मेरी भी स्ट्रगल जारी है
ज़ाहिर सी बात है मैं अभी फुल पॉलिश तो नहीं हूँ, बस मैं कोशिश कर रही हूँ गेम्स, और मेरी कोशिश है चेस पे ज़्यादा मैं जितना फोकस कर सकूँ। जिंदाबाद।